वाइट पेट्रोलियम जेली जस्ट एक लुब्रिकेशन है, वो टेम्परेरी तौर पे तो आपके जो है वो लिप्स की ड्राइनेस को खत्म कर देगी, लेकिन हील नहीं करेगी। हील नहीं करेगी। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनकी और ज्यादा जो है वो ड्राइनेस बढ़ जाती है। अगर आप ये सर्दियों के जो है वो 2 से 3 माह लेते हैं, एंटी एजिंग भी है, हीलिंग प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगा। ड्राई लिप्स का भी एक बड़ा इशू होता है, होंठ फट जाना, स्किन का अलग से हो जाना बड़ा इरिटेटिंग होता है, समटाइम पेनफुल भी होता है, तो उसके लिए कोई मास्क? हाँ जी, उसके लिए जिस तरह से अगर ड्राईनेस की वजह से अगर तो आपके जो है वो ब्लीडिंग भी हो रही है और बड़ा होंठ छिल रहे हैं, क्योंकि नंबर वन तो आप डिहाइड्रेटेड हैं, पानी का इस्तेमाल अगर बढ़ा देंगे मौसम में तो वो आप कम, ये मसला खुद ब खुद चला जाएगा, खुद हल हो जाएगा। और उसके लिए भी जो है वो कैस्टर ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, सिंपल आप कैस्टर ऑयल थोड़ा सा हाथ में डाले, इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके, तो आप इसको जो है वो फेस के ऊपर, मोस्टली लोग वाइट पेट्रोलियम जेली लगाते हैं। जी जी, वाइट पेट्रोलियम जेली जस्ट एक लुब्रिकेशन है, वो टेम्परेरी तौर पे तो आपके जो है वो लिप्स की ड्राइनेस को खत्म, लेकिन हील नहीं करेगी। हील नहीं करेगी। वॉश करने के बाद वो ड्राइनेस कई दफा ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। हम कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर आप कोई भी वनीला एसेंस आप कर लें, आपका कोई भी अगर एसेंशियल ऑयल अगर आपका है। कोई है अदरवाइज तो नहीं आप जरूरी है। अगर हम कैस्टर ऑयल की आज बात कर रहे हैं, मसल्स के बेतहाशा फायदे बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करें, तो बाजार में भी हमें बॉटल्स भी मिलती हैं, बड़ा फर्क आ जाता है, आपको लगता है कि खुद निकलवाना जाकर कहीं से? नहीं, बाजार से अच्छे जो ब्रांड्स हैं हमारे हर्बल के, अच्छे कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। आप देखें कि जिन लोगों की जैसे बात करें, सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राइनेस बढ़ जाती है, जोड़ों में दर्द है, तो इसको अगर आप दूध के अंदर, ठीक है, आप अपने किसी भी डॉक्टर से जो है वो इस चीज़ को कंसल्ट भी कर लें। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों के, जी कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनकी और ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस बढ़ जाती है। और आपको पता है कि कब्ज़ जो है वो बीमारियों की जड़ है, माँ है, तो वो जो है वो हम बच्चों को भी जो है वो इसको दूध के अंदर डाल के हम 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून डिपेंड कि उनकी एज क्या है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये आपका एक एंटी एजिंग आपका ड्रिंक बन जाता है। अगर आप दूध के अंदर जो है वो 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल डाल लें, उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च की ऐड करके, अगर आप ये सर्दियों के जो है वो 2 से 3 माह लेते हैं, एंटी एजिंग भी है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेगा, और प्लस हल्दी और जो काली मिर्च है वो आपको पता है कि अंदर के जो भी आपके बैड बिल्कुल एंटी इंफ्लेमेटरी सारी चीज़ें, कमाल हो गया ये तो एक। आप ये सर्दियों के अंदर अगर आप जो है ये ले रहे हैं, आपने सारे टेस्ट करवा लिए, जोड़ों में दर्द है, समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है, ख्वातीन के अंदर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, 35+ हैं, हार्मोन आपको पता है मेनोपॉज के अंदर जो है वो डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उनके लिए भी अगर वो ये दूध के अंदर सर्दियों के अंदर ये तकरीबन 3 माह लेंगे तो वो बहुत जो है वो उनके लिए जो है वो बेहतर होगा। नहीं आपा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी अच्छी टिप्स थी, और आज तो हमारा पूरा शो कैस्टर ऑयल जो आलमंड ऑयल है कि इसके जितने बेतहाशा फ़ायदे हैं, आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, और स्किन पे तो नहीं आपा ने हमें टिप्स दे ही दी हैं, बालों के लिए लिप का अगर आपको मास्क बनाना है, स्किन का करना है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी छोटी छोटी सी हैं, बहुत कम पैसों में है, बड़े कम बजट में है जो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए इंटरनली भी मैं हमेशा बात करती हूँ कि अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, विंटर्स आते हैं सारे मसले अपने साथ ले आते हैं, डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वाटर इनटेक अपना बहुत रखें, ये एसेंशियल ऑयल्स जो हैं इनके हम बेतहाशा जो बेनिफिट्स हैं वो आपके साथ वक्तन फवक्तन अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में शेयर करते रहते हैं। और आप पानी उस तरह से नहीं ले रहे होते, डिहाइड्रेशन की वजह से भी इश्यूज हो रहे होते हैं, तो ये जो रेसिपीज आज हमारा जो टॉपिक है ये विंटर का है, सर्दियों के अंदर, ठीक है, एक तो गर्मियों में आपने ये वाली चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करनी, और तीसरा नंबर पे जिन लोगों की सर्दियों में भी बहुत ऑयली स्किन है उनके लिए ये रेसिपीज जो है वो रेमेडीज सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो आई जोन के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल, ओके, ठीक है, और साथ ही यानी कि ये दोनों बराबर क्वान्टिटी में, और सपोज अगर 50 ml ऑलिव ऑयल है, 50 ml जो है वो आपने इसके अंदर आलमंड ऑयल लिया है, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने जो है वो अलसी का तेल डाल दिया, 1 टेबल स्पून और इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़े से बादाम क्रश करके और थोड़ी सी इसके अंदर जो है ये किशमिश, जो किशमिश हम हलवे वगैरह में हम लोग किचन में हमारी यूज़ होती है,
किशमिश, ठीक है, ये आपने स्टिकी इफेक्ट तो नहीं आएगा चेहरे पे अक्सर लोगों को? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। ये आपने 10-15 दिन के लिए, या अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी के अंदर इसको आप डिप कर दें, अगले दिन जो है ये रेडी होगा। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, एक बहुत ही हमारे पास फेमस डॉक्टर हैं, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और जब मैंने उनसे पूछा इन अ लाइव शो कि अंडर आई क्या चीज़ यूज़ करें और आई, उन्होंने कहा आई क्रीम्स सिर्फ एक मतलब के इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इन्होंने कोई आई क्रीम आप दुनिया के लिए जो आपकी जो है वंडर आई जी, ऐसा नहीं है, ऐसा आप फिर भी लगाएं तो वो दैट्स अप टू यू। तो मैंने कहा फिर क्या लगाएं? सो वो डॉक्टर जो कि इतनी स्टडीज के बाद और एक उनका पूरा प्रोफेशनल सेटअप है, शी सेट कि आप आलमंड ऑयल जो है वो, और साथ उन्होंने एवलॉन जो है, हाँ जी, एवियन के एवियन के जो कैप्सूल बेस्ट और जो आप बता रही हैं, ऑब्वियसली इसमें भी आलमंड ऑयल के कितने फायदे हैं, और साथ अगर आप उसमें कोई और चीज ऐड ऑन करते हैं तो वो ऑब्वियसली एक मास्क है जो कि बेहतर हो सकता है। तो इस पर तो रिसर्चेज हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई नुकसान नहीं है इसका, इनफैक्ट बल्कि फायदा है, आपके जो महंगे महंगे खर्चे हैं डॉक्टर्स के पास जाके वो वाला, उससे आप बच सकते हैं। आम सीरम आप देखें 1500 या 2000-2500 में आ रहा होता है, तो अगर आप स्पेशल आई जोन के लिए कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो 7000-10000 से क्रॉस कर जाती है। तो उसके लिए भी जो मैंने ये वाली कैस्टर ऑयल, एलोवेरा और लेमन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आई जोन पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है और आउटस्टैंडिंग इसके जो भी रिजल्ट है। ऐसा भी होता है कि हमारी स्किन की तो ग्लो जा रही है, बालों से भी शाइन चली गई है, बालों का भी वो एक वो चला गया, उसमें बाल में फ्रिज आ जाती है इन विंटर्स, आपको बालों में बहुत ज्यादा, आप समझ रही है ना कि वो उस तरह से नहीं रहते हैं, सिल्की नहीं रहते हैं, तो उसके लिए भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे फॉर आवर हेयर? हाँ जी, उसके लिए, हाँ जी, कैस्टर ऑयल आपको पता है उसके अंदर आप लेमन नहीं डालेंगे, कैस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल, इसको आप ब्लेंड करके आप अपने बालों में रूट्स लेंथ एंड में इसको जो है वो लगाएं। आपको पता है जो कैस्टर ऑयल है पेनिट्रेटिंग ऑयल है, ये आपकी जो है वो ड्राइनेस की वजह से अगर इची स्कैल्प हो रही है उसको भी ट्रीट करेगा, रफनेस को खत्म करेगा और बालों की ग्रोथ इसके साथ जो है वो, बालों की रूट्स इसके साथ जो जड़े मजबूत होंगी। तो इसको आप लगा के इस वाले ऑयल को वॉश्ड हेयर के अंदर, एलोवेरा और कैस्टर ऑयल को लगा के आप क्या करें, वॉश्ड हेयर में लगाएं, उसके बाद आप अपने बालों को स्टीम दें। अच्छा, सर्दी के मौसम में पहले भी मैंने स्टीम देने का तरीकाकार बताया था, गर्म पानी के अंदर 2 टॉवल आप जो है वो डाल दें, पहले एक टॉवल को जो है वो रैप कर ले, वो ठंडा हो जाए तो दूसरा पंखा या एसी या ठंड में नहीं, हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो 15-10 मिनट आप स्टीम दे के फिर आधा घंटा जो है वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जो है वो नॉर्मल होने दे, उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं, हेड को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम के साथ जो है ये सारे ऑयल जो है ये आपकी क्यूटिकल्स के अंदर आपकी स्कैल्प में पेनिट्रेट होके आपकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करेंगे और आपका जो इशू है बालों का रफनेस का उसको भी जो है ये ट्रीट करते हैं।